नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। पंजाब को दहलाने की साजिश पाकिस्तान से हो रही है। लंबी अशांति के बाद जब पंजाब में शांति बहाल है, तब एक बार फिर से खालिस्तान मूवमेंट रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि खालिस्तानी नेता और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग मिल रही है। अमृतपाल सिंह को सोशल मीडिया पर भिंडराले वाले 0.2 के रूप से प्रचारित किया जा रहा है। पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसके लिए बैटिंग पर उतर आई है। अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी के खिलाफ अजनाला में अमृतपाल सिंह के समर्थक और पंजाब पुलिस के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान की नज़र पंजाब पर है और उसे अशांत करने की साजिश रची जा रही है। हाथों में तलवार और बंदूक लिए समर्थकों ने अजनाला थाने के बाहर लगे पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया था। प्रदर्शनकर्मियों ने सिखों की पवित्र धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को भी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डी नेता और उसके समर्थकों के साथ हुई बातचीत के बाद लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा कर दिया था। कांग्रेस के अलावा दमदमी टकसाल सहित कुछ धार्मिक संगठनों ने अजनाला कांड में अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की है। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी पंजाब को अशांत करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए देश विरोधी मूवमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट्स का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। उसके भाषण और स्पीच जमकर वायरल हो रहे हैं। लाखों समर्थकों के बीच अमृतपाल सिंह खुद को जनरल सिंह भिंडराले की समझ रहा है। खालिस्तानी साजिश और पंजाब रेफरेंडम को लेकर चलाया जा रहा मूवमेंट तेज हो गया है। पंजाब दशकों तक अशांत रहा है। खालिस्तान मूवमेंट को सुलगाना पाकिस्तान के लिए आसान है। उसे अमृतपाल सिंह का चेहरा भी मिल गया है। खालिस्तान समर्थकों को अब अमृतपाल सिंह एकजुट कर रहा है। कश्मीर पर भारत के खिलाफ भी दुष्ट प्रचार किया जा रहा है। पंजाब को अशांत कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट का चेहरा बन गया है। उसका एजेंडा भारत के खिलाफ है, फिर भी वो जेल से बाहर है। इसे लेकर पंजाब सरकार पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।